नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि बिहार सरकार के खिलाफ जिस तरह से शिक्षक लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, कोई भी शिक्षक यानी प्राथमिक विद्यालय का हो या माध्यमिक विद्यालय का या हाई स्कूल का, मगर एक सच्चाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के जो इम्प्लाई हैं, इनके द्वारा अनिश्चितकाल धरना पर बैठ गए और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ये लोग आकर यहाँ पर अनिश्चितकाल के लिए यहाँ पर हड़ताल पर बैठ गए और इनकी जो मांगे हैं, सीधा सीधे तौर पे मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि इनकी मांगे क्या है। आप लोगों के द्वारा धरना पर बैठा गया है, आखिर क्यों बैठा गया? सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी जो है निर्धारित, वो भी हमारे कस्तूरबा कर्मियों को नहीं दिया जाता है। हमारे कस्तूरबा में 24 घंटा का ड्यूटी हमसे लिया जाता है, उसके अनुरूप भी हम लोग को मानदेय नहीं दिया जाता है। लगातार हम लोग सरकार को, विभाग को और सारे पदाधिकारियों को देते हैं पत्र, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। इसके वजह से हम सारे कस्तूरबा कर्मी लाचार होकर के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का निर्णय लिए हैं। आप लोग तो अनिश्चितकाल धरना पर बैठने के निर्णय ले चुकी हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? जो बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, बच्चियां कैसे पढ़ पाएंगी? बच्चियों को अभी तक तो हम लोग छोड़े नहीं हैं, लेकिन अगर सरकार द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम बच्चियों को उनके अभिभावक को बुला करके उनको सही सलामत घर पर भेज करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को सरकार द्वारा लिखित रूप से हमको नहीं माना जाता है। लगातार जिस तरह से शिक्षकों को विद्यालय में होना चाहिए, खास तौर पे प्राथमिक विद्यालय हो या मिडिल माध्यमिक विद्यालय हो या हाई स्कूल हो, चाहे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, लेकिन लगातार जिस तरह से आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और ये जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालन चलाया जाता है, इस पर क्या आपका राय? इससे मेरा ये राय है कि जब तक हमारे बच्चे का जब हम पढ़ाई पूरा नहीं करा पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को ढंग का कपड़ा नहीं पहना रहे हैं, हम अपने बच्चों को सही सलामत पेट नहीं भर रहे हैं, हम हमेशा कर्ज में ही रह जाते हैं, तो ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा? इसके वजह से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा, हम बच्चों को जाके क्या शिक्षा दे सकते हैं? जब मेरे पेट में कुछ है ही नहीं तो हम कैसे शिक्षा देंगे? जो याद है वो भी भूल जाएंगे। तो ऐसा शिक्षा देने से अच्छा है कि हम उस बच्चियों को उनके गार्जियन को हवाले करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ जाएं। सरकार यदि हमारी मांगे पूरी कर लेती है तो हम लोग अपना ये अनिश्चितकालीन हड़ताल एक दिन में ही स्थगित कर देंगे। लगातार जिस तरह से आप लोग वेतन को लेकर और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अनिश्चितकाल के लिए धरना पर बैठेंगे, और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि शिक्षकों का जो वेतन है कहीं से वृद्धि नहीं हो पा रहा है, खासतौर पर कस्तूरबा जो गांधी आवासीय बालिका का जो विद्यालय है वहां पर देख रहे हैं कि 10,000-15,000 केवल वेतन मिल रहा है। क्या लगता है, अनिश्चितकाल धरना देने से आप लोगों का सरकार बातों को मानेगा? हमें धरना देने से अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए आवाज सरकार के पास जाएगी, विभाग के पास जाएगी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय समर शिक्षा अभियान असर से, तो हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारी मांग को माना जाएगा। हमारी मुख्य मांगे हैं, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन है उसको लागू किया जाए, जिसमें वेतन में वार्डन को 35,000, शिक्षिका अनुदेशिका को 30,000, लेखापाल को 30,000, चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ को 20,000 रुपया प्रति माह की दर से वेतन लागू किया जाए। पहले से कितना वेतन मिलता है आपके शिक्षकों को, जो आपके वार्डन है उनको? पहले मिलता है 15,000, उसके बाद शिक्षिका को मिलता है 13,000, चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ को मिलता है 6,500, अनुदेशिका को मिलता है 8,800। जिस शिक्षकों को विद्यालय में रहना चाहिए, आप लोग यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अनिश्चितकाल के लिए धरना पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हम लोग इसलिए बैठे हैं कि आज नहीं, आज 10 बरी से हम लोग नौकरी कर रहे हैं। पहला नंबर 3,500 रुपया हम लोग को मिल रहा था, सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया हुआ वेतन एक बार नहीं, दो बार तीन बार हम लोग वहाँ लिखित जो पन्ना पर दिया गया है, लेकिन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तरह अभी तक आज तक लेटर नहीं आया है कि इतना बड़ा हुआ है, और इसी तरह वार्ता करते करते आज तक भी नहीं बढ़ा। इसीलिए हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर देखते हुए, सरकार को देखते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन अनिश्चित हड़ताल पर है। समय पर आप लोगों को वेतन मिलता है या नहीं मिलता है? हम लोग को समय पर कभी वेतन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी 2 माह हो जाता है, कभी 3 माह होता ना, तो कभी एक भी महीना पर मिलता है।
इस तरह वेतन मिलता है समय पर, नहीं भी मिलता है, लेकिन हम लोग को जो बड़ा वेतन है वो मिलना चाहिए हमको, नहीं तो फिर हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, अनशन हड़ताल पर रहेंगे। बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं या सरकार कर रही है? जब बच्चियों को सरकार को मालूम है कि नहीं बच्चियों को भविष्य के साथ ऐसा खेलना चाहिए, तो क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? हम लोग को बच्चियां नहीं हैं कि जो 3,500-6,000 पर हम लोग को वेतन दे रहे हैं सरकार है? सरकार बिहार सरकार छोटा है, केंद्र सरकार पैसा हम लोग को बड़ा कर देता है, लेकिन बिहार सरकार छोटा है कि जो हम लोग को अभी तक वेतन कम देता है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में बिहार सरकार भी अपनी पार्टी की दावेदारी कर रही है, और यहाँ पर जो केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी पूरा क्षेत्र में घूम घूम के 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भ्रमण कर रहा है। क्या लगता है, अगर आपके बातों को नहीं माना गया तो इसका जवाब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिया जाए? एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा, इसलिए 100% नहीं मिलेगा। हम दावा कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी कर्मी लोग कि उनको सरकार को गिराने का काम करेंगे हम लोग। 2024 में सरकार नीतीश कुमार को नहीं बनने दिया जाएगा। सरकार को क्या अल्टीमेटम दीजिएगा, अगर सरकार अगर आपकी बातों को नहीं मानती है और सरकार फिर पुनः 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी करी है, क्या उसको अल्टीमेटम दीजिएगा? हमारे कस्तूरबा कर्मी ये ठान लिया है, ये अपना नारा है कि भरा पेट नहीं तो वोट नहीं जी। अगर मेरा पेट भरेगा नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, यानी कि 2024 में आने वाला समय में हम करके दिखा देंगे। और यही नहीं, हम आपको आंकड़ा निकाल करके भी बता दे रहे हैं कि एक हम है, मेरे पीछे 10 परिवार है जो कि मेरे ऊपर चल रहा है, और हम कितने बच्चियों को शिक्षा दे रहे हैं वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम बस थोड़ी सी मैं आपको झलक दिखाकर बताना चाह रहा हूँ कि आगे आने वाला समय में हम क्या कर सकते हैं। केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, ये जो आपकी संस्था है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय केंद्र सरकार की संस्था है, मतलब जाता है कि 40% बिहार की भी कार्यरत है, तो क्या कहिएगा बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों चुनाव लड़ेंगे? हाँ दोनों लड़ेंगे, तो हम दोनों को बता देंगे, ये दोनों गलती कर रहा है तो आप वोट को बहिष्कार कीजिएगा ना। ये एक ये अंग्रेज का जो नीति था पहले वो आज के डेट में मेरे साथ किया जा रहा है, ये गेंद अपना गेंद उठाकर उसके पल्ले में और वो अपना गेंद उठाकर इसके पल्ले में। पहले हमको खुद पता नहीं हम क्यों है, कौन हम कर्मी है या सड़क छाप है। वोट का बहिष्कार कीजिएगा साफ तौर पे। हाँ वोट का बहिष्कार कर वो तो व्यक्तिगत रूप से हम करेंगे, और मेरे सारे कर्मी तैयार है करेंगे, और यही नहीं पूरे बिहार के लोग करेंगे। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का परियोजना है, केंद्र का जब भी चलता है तो एक चलता है, ये नहीं कि बिहार के लिए अलग, बंगाल के लिए, उड़ीसा के लिए और महाराष्ट्र के लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। जब भी उसका नियमावली होता है एक होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से हमारे बिहार सरकार चुट्टा है, और जो आ रहा है केंद्र सरकार से उसमें भी काट करके हमें चतुर्थ वर्ग कर्मी को कितना मिलता है 6,500, EPF काट करके कितना मिलता है 5,720 रुपया, इसमें कितना परिवार चलेगा? अगर देखा जाए मजदूर को अर्धकुशल कुशल या कितने मजदूर है उनको अगर देखा जाए तो सबसे न्यूनतम 467 रुपया कुछ पैसा, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो मजदूर लायक भी नहीं है। वो कितना ड्यूटी करता है 6 घंटा, हम 24 घंटा करते हैं, 200 रुपया भी हमको नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी आपने साफ तौर पे सुना, सीधा सीधी तौर पे सरकार के खिलाफ इन लोगों में काफी आक्रोश है, इसीलिए इन लोगों के द्वारा यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन दिया गया है, और साफ तौर पे इन लोगों का कहा जा रहा है कि हमारे वेतन में कहीं ना कहीं वृद्धि नहीं की जा रही है, इसीलिए इन लोगों के द्वारा यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में यहाँ पर आकर इन लोगों के द्वारा अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन दिया गया है। और इन लोगों में आक्रोश इतना है, सीधा सीधी तौर पर इन लोग कह रहे हैं कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में साफ तौर पे इन लोगों के द्वारा अल्टीमेटम दिया जा रहा है बिहार सरकार और केंद्र सरकार को कि हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे, अगर हमारी बातों को नहीं माना गया सरकार के द्वारा तो हम लोग इस बार वोट को बहिष्कार करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।